क्या है, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की, क्यों महापुरुष रहे जो हम लोगों के नेता रहे सब लोगों ने आरक्षण की बात की और उन्हीं तबकों की बात की जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो या अति पिछड़े हो। आज भी समाज में देखिएगा कि भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर के लोग गाली देता है, फल्ला 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 क्या क्या लोग नहीं बोलता था। आज भी देखिएगा इस तरह की चीजें, दलित का लड़का का बेटा का अगर शादी हो रहा है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, मंदिर में पूजा नहीं करेगा, क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज इस बात की जरूरत है कि गिनती क्यों होना चाहिए। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है, कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग कुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया, किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया। हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, दलित हो, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। आज का कार्यक्रम आप सब लोगों को पहले से ही सूचित था कि एक दिवसीय धरना जो है रखा जाएगा, और धरना का जो मुद्दा है, जो बिहार के जन जन के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि जो महागठबंधन की सरकार ने, जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और उसको 65% किया, और ईडब्ल्यूएस का 10% एज इट इज रखा, यानी 75% आरक्षण हम लोगों ने लागू करवाया था। और उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम सब लोग भारत सरकार में अनुशंसा करेंगे, इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। जिस प्रकार शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में तमिलनाडु राज्य का आरक्षण है जो कि सुरक्षित है, उसी हिसाब से जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा, तो भारत सरकार के लोगों ने
गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए, वो लोग वैसा समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा है वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता हो जिंदगी भर, उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन ना दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है, यानी जो चंद लोग हैं मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहां 10-10-12 नौकर रखेंगे लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।